क्या आपके अंदर हेजिटेशन है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हेजिटेशन की वजह से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते? और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस एक्सप्रेस नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ से निकल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को इनफीरियर समझ रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर स्टेज फियर या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस के इश्यूज चल रहे हैं? तो दोस्तों, अगर ये सब प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है तो अंत तक देखिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं चार माइंडसेट आपको बताने जा रहा हूं। ये वो चार माइंडसेट जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस के प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बनाता हूं, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे बनाता हूं। दोस्तों, मेरा नाम नितिन मोहनलाल है, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं एक ऑथर हूं, मेरे बहुत सारे बुक्स आती हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो चार माइंडसेट कि क्यों आपके पास कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम रहती है, क्यों आपके पास हेजिटेशन रहती है, क्यों आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्यों आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते। नंबर वन प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कि आपने पास्ट में अपने कोई ना कोई ऐसी बड़ी मिस्टेक कर दी है कि अब आपको डर लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मुझसे फिर से गलती तो नहीं हो जाएगी। और ये पैटर्न आपके अब आपको एक्सप्रेस करने से रोक देते हैं। हो सकता है आपने कभी किसी के सामने एक्सप्रेस किया हो, उसने मजाक उड़ा दिया हो, हो सकता है कि आपने एक्सप्रेस किया हो, उसने आपको उसी वक्त बोल दिया हो कि तुम्हें अकल नहीं है, या हो सकता है आपने कोई एक्सप्रेस किया हो और आपको लगा हो कि मैं इन सब लोगों के बीच में बेवकूफ बन गया हूं, या हो सकता है आपने एक्सप्रेस किया हो, किसी ने आपकी बात मानी हो और उसका नुकसान हो गया और उसने आपको धमका दिया हो, या जो भी पैटर्न। ये पैटर्न आपके पास्ट के आपके प्रेजेंट को खराब कर रहे हो। तो जस्ट चेक कीजिएगा, ऐसे पैटर्न तो नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं, लिखा कीजिए जो मैं आपको लिखवाता हूं, क्योंकि जब हम लिखते हैं हमारे सबकॉन्शियस में वो जाता है। मैं जो भी आपको कंटेंट भी देता हूं, ये बहुत बड़ी रिसर्च और स्टडीज का नतीजा होता है, तो लिखिए इन चीजों को। और मुझे जरा सोचिए कि यार क्या ये वाकई में मेरे साथ चल रहा है, क्या यही तो माइंडसेट मेरा नहीं हो चुका है? अगर ऐसा हो चुका है तो बहुत जरूरी है आपको पास्ट के पैटर्न्स को अपने रिमूव करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बता रखा है अपनी कुछ वीडियोस में कि कैसे आप अपनी पास्ट की जो पैटर्न्स हैं उनको रिमूव करेंगे। दूसरा कारण होता है कि हो सकता है आपने वॉयलेंस को फेस्ड किया हो, या हो सकता है आप लोगों ने किसी ने आपका मजाक बुलिंग की हो आपके ऊपर, या हो सकता है कि आप लोगों ने कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हो जहां पर आप किसी की मदद करने चाह रहे हो और पता लगा कि दूसरे व्यक्ति ने आपको डिच कर दिया। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से हम लोगों के पैटर्न्स खराब हो जाते हैं, और इन पैटर्न के जो रिजल्ट यानी जो आउटकम होता है वो आपके एक्सप्रेशन में दिखता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जब आप एक्सप्रेस नहीं करते ना तो डिप्रेशन भी होता है। डिप्रेशन का एक सीरियस मतलब है डी एक्सप्रेशन, यानी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाना। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे वो मैक्सिमम लोनलीनेस के पैटर्न से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। द ओनली रीजन इज व्हाट, मतलब उनके पास कोई है ही नहीं एक्सप्रेस करने के लिए। मैं जानता हूं अपने एक स्टूडेंट को जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही चल रही थी जब वो मेरे पास पहली बार आए थे कि सर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, क्योंकि मेरे अंदर पैटर्न, मेरे पास्ट के जो पैटर्न है वो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं। तीसरा कारण होता है, तीसरा जो माइंडसेट मैं कहूंगा, गाइडलाइंस की मैं बात करूंगा, तो तीसरा कारण होता है कि आपने कोई डिसीजन लिया हो और डिसीजन का सत्यानाश हो गया, यानी खराब रिजल्ट आया हो, खराब आउटकम आया हो, और अब आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है। अब आपको डर लगने लगा है कि मैं कोई डिसीजन लूंगा, हो सकता है फिर से गलत ना हो जाए, और उसके चक्कर में आप बहुत परेशान आते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके साथ केस स्टडी शेयर करता हूं। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी करी, बड़ी बेटी की शादी थी, और एक ऐसे परिवार में कर दी जहां पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। उस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के होने की वजह से उस बच्चे को बहुत बहुत प्रॉब्लम आती थी ना, उसकी पढ़ाई छूट गई थी, उसको घर का सारा काम करना पड़ता था, कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था। और एक जो पिता के अरमान थे अपनी बेटी को लेके, वो बेटी आके हमेशा पिता को कोसती थी, पापा किस जगह मेरी शादी कर दी, इससे तो अच्छा मेरी शादी ही नहीं करते। वो चीजें उस बाप के यानी उस फादर के घर कर गई थी, और जब सेकंड बेटी की वो शादी करता था तो डरता था कि कहीं ऐसी शादी में दोबारा ना कर दूं कि मेरे साथ प्रॉब्लम आए, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम आए। तो यही होता है कि हमारे पास्ट में हमने कोई ऐसा डिसीजन लिया बड़ा और उसको खराब हो गया, अब हमारी जिंदगी उसके अंदर खराब चल रही है। ये बहुत बड़ा इशू होता है। और चौथा जो माइंडसेट होता है वो होता है कि एडेप्टिविटी टू चेंज, यानी हमें चेंज करते रहना चाहिए, अपनी प्रवृत्ति को चेंज करते रहना चाहिए। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते चेंज को। जब बोला जाता है अपनी नॉलेज को स्किल करो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, हम नहीं कर पाते हैं। जब बोला जाता है इन्वेस्ट करो अपनी लर्निंग्स में, हम नहीं कर पाते हैं। जब बोला जाता है अपने आप को, अपने हुनर को बढ़ाओ, हम नहीं कर पाते हैं। एंड इस माइंडसेट की वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस के पैटर्न की प्रॉब्लम चलती है। और यही मैंने कई बार देखा है, कई इश्यूज में देखा है, कई केस स्टडीज के अंदर देखा है। जो मैक्सिमम जो हाउसवाइफ होती हैं उनमें पैटर्न जो होते हैं, कॉन्फिडेंस की जो लैक ऑफ इश्यूज होते हैं, सेल्फ वर्थीनेस के जो पैटर्न खराब होते हैं, वो इसी का नतीजा होता है, क्योंकि वो टाइमली अपने आप को अपग्रेड नहीं करती हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों ने देखा भी होगा, आप अपने एकेडमिक्स में बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बुक्स में, एजुकेशन में बहुत इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके विपरीत आप अपने जीवन में कभी बुक, अगर मैं बात करूं पूरी रेस्ट ऑफ द लाइफ के अंदर, एक या दो बुक्स ज्यादा नहीं पढ़ते हैं।
हमेशा ध्यान रखिए अपनी लाइफ के अंदर, अगर वाकई में अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदलना चाहते हैं तो कुछ हैबिट्स को आपको इनकलकेट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, और चलने दो, अगर आप खुश हो उससे चलते रहने दो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बोलता हूं हमेशा, अगर आपको वाकई में कॉन्फिडेंस के पैटर्न तोड़ने हैं, अगर आप चाहते हैं आप अपने आपको एक्सप्रेस कर पाए, बेझिझक होकर हेजिटेशन आपकी खत्म हो जाए और लोगों के सामने आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली आए, एंजल्स की मदद लीजिए, एंजल्स को इन्वोक कीजिए, एंजल्स की हीलिंग कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, स्टूडेंट्स भी नहीं रहे, क्लाइंट्स की जो मेरे पास काउंसलिंग आते हैं उनके भी मैंने पैटर्न चेंज होते हुए देखा। मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से, एक ही व्यक्ति आपके लाइफ को चेंज कर सकता है और वो सिर्फ आप हैं। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ एंजल्स को इन्वोक करने की। एंजल्स मैसेंजर होते हैं गॉड के, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, दे आर वेरी प्योर एनर्जी, वेरी वेरी प्योर एनर्जी, उनका धर्म से कोई मतलब भी नहीं। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको नहीं पता एंजल्स क्या होते हैं तो मेरा फ्री एंजल कोर्स होता है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए उसको भरिए और आराम से 2 घंटे मेरा एंजॉय कीजिए। दोस्तों हम खराब खराब अफर्मेशंस करते हैं, ये कभी मत करिएगा अपने जीवन के अंदर। जैसे एग्जाम्पल तौर पर, मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझसे सब गलत ही होता है, मैं कभी किसी का ठीक नहीं होता है, मेरे पास कॉन्फिडेंस के हमेशा पैटर्न गलत रहती है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं कंफ्यूज रहता हूं, ये सब चीजें क्या कर रही हैं आपकी अफर्मेशंस? आपको आपके मंजिल से दूर लेके जा रही है। आप गलत तरह से अफर्म कर रहे हो, गलत तरह की एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो और उसके बाद आप चाहते हो कि रिजल्ट अच्छा है। आप सच बताइएगा क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप चाहकर भी अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर आ पा सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ के अंदर खराब अफर्मेशंस करते हैं। मैं जानता हूं एक महिला को जिनकी अफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मेरे जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता सर, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, और विश्वास कीजिए उसका वाकई में कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला इसका जो कारण है आपकी जो ये दरिद्रता भरी जो जिंदगी है या जो आप जी रही हैं, इसका कारण पता है क्या है? वो है आपकी अफर्मेशंस, वो आपकी खुद एनर्जी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने लिए। कहते नहीं नहीं सर मेरी कोई मदद नहीं करता। मैंने कहा बस देखो अब जरा क्या अफर्म कर रही हो, और ये दिन में 2-3-4 बार तो आप कम से कम बोलती ही होगी। कहते नहीं ज्यादा बार बोलती हूँ। मैंने कहा ज्यादा बार बोलती हूँ तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। दोस्तों 21 दिन का मेरा एंजल का एक मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों के लिए, जहां मैं बताता हूं आपको कि अफर्मेशन करनी कैसे, हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, कैरियर के लिए, मनी के लिए आप अफर्मेशन क्या करेंगे, कैसे करनी चाहिए, एनर्जी को हाई कैसे करनी चाहिए, किस तरह से हम लोगों को जनरल अफर्मेशन करनी चाहिए, सब चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूं। सिर्फ एक कमिटमेंट चार्जेस जरूर लेता हूँ, 47 रुपीज ओनली, क्योंकि हमेशा एक चीज मेरे को मेरे मेंटर्स ने सिखाई थी कि नितिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फ्री की वैल्यू चीज लोग नहीं करते, मैं खुद भी नहीं करता हूं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा अगर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है तो अपने आप को एक्शन लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए इन लोगों को। कई बार लोग पूछते फोन करके सर क्या आपको लगता है मैं चेंज हो जाऊंगा, क्या मेरे को फायदा होगा? मैं कहता हूं यार बातों पे मत जाओ, सिर्फ एक्सपीरियंसेस करो और देखो क्या चेंज हो रहे हो नहीं हो रहे। अगर चेंज हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर चेंज नहीं हो रहे हो तो बस खराब बात है। ये तो सिंपल सी कंसर्न है, या तो होगा या नहीं होगा। आप अभी से कंफ्यूज क्यों बिना एक्सपीरियंस किए हुए? एंजल्स को हेल्प लीजिए, दैट सिंपल एज दैट। क्या ऐसा भी होता है कभी, आप मेरा ना लाइव शो होता है, मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिए किस तरह से महिलाएं अपनी लाइफ को चेंज कर रही है एंजल्स की हेल्प से लेके। आप जरूर देखिएगा उसके अंदर सक्सेस स्टोरी, पढ़िए इन चीजों को। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं या आप पढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, www.nitinmohanlal.org पे जाइए, जहां पे कनेक्ट विद एंजल्स का मैंने पूरा पिलर पेज दे रखा है, 20 से 25 केस स्टडीज दे रखी हैं, जाइए और उनको पढ़िए कि किस तरह से लोगों ने अपने जीवन को बेहतर किया है। हर शुक्रवार को मेरा एक ब्लॉग आता है जिस ब्लॉग के अंदर मैं एंजल्स के बारे में और आपको जानकारी देता हूं, इन्फॉर्मेशन देता हूं। आप लोग कंटेंट को वहां से भी पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आप मेरी बुक्स को पढ़ सकते हैं, लिंक्स मैं नीचे दे रहा हूं, ताकि आप अपने जीवन को और अच्छा करें, अपने बेहतर करें, अपने परिवार के जीवन को। जाइए कमेंट बॉक्स पे और बड़ा सा लिखिए मैजिक, MAGIC, क्योंकि जादू उन्हीं की जिंदगी में होता है जो लोग जादू पे विश्वास करते हैं। कमेंट बॉक्स पे जाके ये भी बताइए, ये वीडियो आपको पसंद आया तो क्यों आया, नहीं आया तो क्यों नहीं आया। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन में जरूर घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको नोटिफिकेशन ना आए और आपके पास वीडियो ना पहुंचे। एक चीज और शेयर करना चाहूंगा दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, मेरी लाइफ तो सेट हो चुकी है, अब तो मुझे सिर्फ लोगों की हेल्प करनी है। बिकॉज योर सक्सेस इज माई विक्ट्री, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, योर सक्सेस इज माई विक्ट्री। हमेशा मैं एक ही चीज अपने आप में लेकर चलता हूं, मेरा लाइफ पर्पस सिर्फ एक ही है। एंजल से मैं सिर्फ एक ही प्रेयर करता हूं कि एंजल्स उन लोगों को मेरे पास लेकर आओ जिन लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड कर सकता हूं। मैं बताता हूं जब आपको बहुत ज्यादा पैटर्न की प्रॉब्लम चल रही हो, कॉन्फिडेंस के पैटर्न और खराब हो रहे हो, या कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ने डिच कर दिया एकदम से, 25 साल 30 साल शादी के बाद या 20 साल की शादी के बाद वो बताता है कि मेरा तो कहीं और अफेयर चल रहा है, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। हर मोमेंट के अंदर एंजल से हेल्प लीजिए। यू वॉन्ट बिलीव इट किस तरह से वो मिराकुलसली आपके रिलेशन को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से हर चीज को आपके नॉर्मल कर सकते हैं। एंजल्स डज मिराकल्स, एंजल के साथ आप अपने जीवन को बहुत बेहतरीन करिए। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आप लोगों का इतना प्यार इतना सम्मान जो मुझे मिलता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज मुझे बताते रहिएगा अगर कोई क्वारीज है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द एंजल्स, 99714003777 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप बिल्कुल मुझे पिंग कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं।
दिस इज नितिन मोहनलाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ. अगले वीडियो में एक बार नए ड्रॉप टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ आऊंगा और मिलूंगा आपके साथ. एंजल्स के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, करीबन 400 से ज्यादा वीडियोस मैंने यूट्यूब पे बना रखे हैं. आप लोग देखिए और अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को एनहांस कीजिए. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू.